इसलिए घाटे रास्ता में खाली हैवी मोड लगाइए, नहीं तो लाइफ टाइम लाइट में ही चलाइए। अपना जितना भाई लोग है, साथी लोग है, सब हमेशा खाली लाइट मोड में चलाता है और 4 से 5 किलोमीटर का एवरेज लाता है। हेलो साथियों, नमस्कार। आज का न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज आप देख रहे हैं मेरे सामने में है टाटा का सिग्ना मॉडल 4825 का PS6 गाड़ी। उस गाड़ी के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी देना चाहते हैं, जितना कि मेरा ड्राइवर भाई लोग गाड़ी चलाता है लेकिन माइलेज दे नहीं पाता है, तो उस चीज़ बारे में आज बताएंगे कि ऐसे एक बढ़िया चीज़ बताएंगे जो कि आप लोग का माइलेज बढ़िया आ देगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि एक्चुअली में कौन सा चीज़ जानने से आप लोग को गाड़ी का माइलेज अच्छा देगा और फ्यूल इकोनॉमी अच्छा देगा। तो मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहिए। जुड़े रहने से पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल में आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे अगले तक हम कोई भी वीडियो देंगे तो आपके पास पहुँच पाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि किस तरीके से हम लोग वीडियो बारे में आप लोग आज जानकारी देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताना चाहता हूँ, ये है देखिए टाटा सिग्ना मॉडल का 4825 PS6 गाड़ी, 16 चक्का गाड़ी। तो इस गाड़ी में बारे में आप लोगों को बताते हैं पूरा जानकारी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि ये गाड़ी एक्चुअली में माइलेज कैसे देता है। तो आइए वीडियो में बने रहिए और आप लोगों को दिखाते हैं कि एक्चुअली में इस गाड़ी का जानकारी और फायदा चीज क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए। तो साथियों, आप लोग अगर ट्रांसपोर्टिंग लाइन में हैं कि अपना पास जो गाड़ी है, आप अगर ट्रक ड्राइवर हैं, जितना भी भाई लोग मेरा ट्रक ड्राइवर भाई लोग गाड़ी बारे में मेरा वीडियो को देखना चाहते हैं, तो आप लोग को एक अच्छा चीज़ आज बताएंगे कि BS6 गाड़ी में आप लोग किस तरीके से चलाने से आपका गाड़ी का फ्यूल इकोनॉमी जो है माइलेज आपको अच्छा देगा। हम लोग का जो ये गाड़ी चलता है BS6 करीब 4 से 5 का माइलेज देता है खाली गाड़ी में और 2 से 3 का माइलेज देता है लोड गाड़ी में। तो चलिए हम लोग आज बताते हैं कि आप लोग को हम लोग किस तरीके से गाड़ी चलाते हैं जो कि हम लोग का गाड़ी इतना माइलेज देता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहिए और आप लोग को इतना मस्त शानदार चीज आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो देखने के बाद बोलिएगा कि यहीं से हम लोग को सीखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताते हैं, देखिए ये है BS6 गाड़ी। BS6 गाड़ी का ये है स्टेयरिंग व्हील और इस गाड़ी में आप लोग कभी भी चलाते हैं तो अपना गाड़ी सेफ्टी से चलाइए और आप लोग हमेशा सीट बेल्ट लगा के चलाइए। तो आप लोग को हम वीडियो में कंटिन्यू करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि एक्चुअली में ये गाड़ी का जितना भी स्विच है, जो डिस्प्ले में जो सिग्नल देता है, ये सारे चीज बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम गाड़ी में चाबी को ऑन कर लेते हैं। तो देख रहे हैं गाड़ी अपना ऑन हो गया है और आप लोग को हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से गाड़ी ऑन हो गया है, देख रहे हैं साथियों। तो फ्रेंड्स, आप लोग को बताते हैं कि BS6 गाड़ी में जो डिस्प्ले में जो ये सारे सिग्नल है और इधर सारे बॉटम है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं कि इस बॉटम बारे में किस तरीके से काम करता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को ये देख रहा है, ये वाला लाइट बॉटम है, ये मीडियम है और ये हैवी है। इस चीज़ बारे आप लोग को बताना चाहते हैं, ये जो तीनों बॉटम है आप हमेशा लाइट में चलाइए, अगर लोड है या खाली गाड़ी, हमेशा अगर आप लाइट में चलाएंगे तो आपका फ्यूल इकोनॉमी खाली गाड़ी में 4 से 5 का एवरेज बताएगा और लोड गाड़ी में 2 से 3। जब आपका गाड़ी चलते में जहाँ पे घाटी पड़ रहा है, अब मीडियम जाइए और मीडियम से ग्रीन जाइए, जब घाटी डाउन हो जा रहा है आप लाइट में दबाइए और मीडियम में, और जहाँ आपको माइंस में आप लोडिंग करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पे घाटी जोरे जोर है, आपका गाड़ी चढ़ नहीं पाएगा, आप सोच रहे हैं, वहाँ पे आप हैवी मोड लगाइए, तभी आपका गाड़ी का माइलेज अच्छा देगा। और सारे बॉटम के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो बॉटम है, इस बॉटम में आप पीछे में लाइट लगा सकते हैं, इसके लिए ये बॉटम दिया हुआ है स्विच, और यहाँ पे ये स्विच दिया हुआ है आपका ACR सिस्टम। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो आपका जो धुआं निकलता है, पोल्यूशन, इसको ACR सिस्टम को आप ऑन करने के लिए इस स्विच को दबा सकते हैं। और ये है ABS सिस्टम, इस ABS सिस्टम में आप ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हैं। और ये जो दिया हुआ है इन इमरजेंसी ओनली, इसको आप जब प्लांट में जा रहे हैं कि माइंस में जा रहे हैं, जहां पे आपको फायर को बंद करने के लिए बोला जाता है, इसको आप बंद कर सकते हैं, जहां कि आपका धुआं नहीं निकले और आपका आग नहीं लगने का डर रहता है, वो बंद हो जाता है। ये 3-4 चीज़ बारे में आप लोग जान गए। और ये जो बटन आप देख रहे हैं, हेल्प लिखा हुआ है, ये एक बहुत इमरजेंसी हेल्प है। अगर आप इस बटन बारे में जानना चाहते हैं, कभी भी आपका गाड़ी कहाँ भी
ब्रेकडाउन हो गया कि एक्सीडेंट हो गया, आप ये वाला बटन को दबा दीजिएगा। ये वाला बटन के जैसे आप दबा दीजिएगा, आपका ओनर के पास यानी कि आपका मालिक के पास तुरंत खबर चल जाएगा कि इतना नंबर गाड़ी है और ये कहाँ पे इमरजेंसी हो गया है, अलर्ट पहुँच जाएगा। इस अलर्ट बारे में भी आगे चल के आप लोग को हम बढ़िया से एक बढ़िया वीडियो बना के देंगे आपके माध्यम में किस तरीके से अलर्ट आता है। और आगे चलिए, आप लोग को स्विच दिखा रहे हैं, देखिए ये वाला चेक का जो सिग्नल बताता है इस बारे जानने के लिए यहाँ है। और ये है लिप्टर का, लिप्टर का यहाँ पे इसे देखिए आप लोग को दबा रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये लिप्टर का सिग्नल आ रहा है इसको दबाने से। और एक बढ़िया स्विच दिया हुआ है BS6 टाटा मोटर्स ने, ये वाला जब आप घाटी में चढ़ रहे हैं आपका गाड़ी जैसे आप क्लोज छोड़ते हैं तो आपका गाड़ी पीछे लुढ़क जाता है और आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए आपको एक्सीलेटर चापना पड़ता है। तो ये वाला बटन को आप अगर दबा दिए रहेंगे तो आपका गाड़ी जब घाटी से पीछे नहीं लुढ़क के 5 सेकंड के लिए आपका जैसे क्लोज छोड़ेंगे ब्रेक पकड़ा हुआ रहेगा और आगे बढ़ाएगा। और ये वाला है इंजन कंट्रोलर, आप जब गाड़ी को डाउन में 3 या 4 नंबर गियर में आप डाउन करते रहेंगे तो आपका इंजन कंट्रोलर को आप अगर दबा दिए हैं तो आपका गाड़ी आराम से हल्का से प्यार से उतरेगा और आप बढ़िया से डाउन हो पाएंगे। और ये है 4 इंडिकेटर, देख रहे हैं किस तरीके से सिग्नल दिखा रहा है। तो आप लोगों को तो चलिए फिलहाल अभी हम लोग गाड़ी को स्टार्ट करके आप लोगों को बताते हैं। देखिए चाबी ऑन हो गया और स्टार्ट भी हम लोग कर रहे हैं। अभी हम लोग जैसे स्टार्ट किए हैं अपना गाड़ी का हैवी मोड आ गया। ये हैवी मोड रहने से आपका गाड़ी ज़्यादा डीजल पिएगा, तो आप स्टार्ट करने के बाद डायरेक्ट आप लाइट मोड में लगा दीजिएगा तो आपका माइलेज सबसे अच्छा देगा। और एक बढ़िया चीज़ जैसे कि बहुत सारा ड्राइवर भाई लोग बोलता है कि गाड़ी चलाने के टाइम में अगर AC चालू कर दिए हैं तो आपका तेल ज़्यादा पिएगा, लेकिन टाटा कंपनी ने ऐसे कुछ भी नहीं बताया है कि आपको गाड़ी चलाने के टाइम में AC चलाएंगे तो आपका AC के चलते ज़्यादा तेल पिएगा, ऐसे कहाँ भी लिखा नहीं है। और कोई भी टाटा शोरूम वाला नहीं बोलता है कि AC चलाने के चलते डीजल पीता है। तो पहले हम लोग AC चालू कर देते हैं, देख रहे हैं ये वाला बॉटम और ये वाला बॉटम आप दे रहे हैं तो आपका AC चालू हो जाएगा और ठंडा ठंडा कूल कूल हवा ले आएगा। यही एक अच्छा चीज़ है BS6 गाड़ी में, जितना भी ड्राइवर भाई लोग चला रहे हैं अभी हम लोग को गर्मी आ गया, देखिए वीडियो बनाते बनाते तो वीडियो को एक बार जरूर लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोग को बता देना चाहता हूँ इस तरीके से आप अगर AC चला रहे हैं गाड़ी में तो आप लोग को ठंडा हवा देगा और आप मस्त रहेंगे, जैसे कि धूप के टाइम में कितना गर्मी होता है आप लोग को पता है। तो फ्रेंड्स आप लोग को दिखाए, देखिए किस तरीके से आपको हम फ्यूल इकोनॉमी में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। देखिए ये वाला बटन आप अगर दबाए हैं तो आपका यहाँ पे देखिए लाइट मोड चल रहा है, इसको अगर आप मीडियम करेंगे तो यहाँ पे मीडियम हो जाएगा और इसको आप अगर हैवी करेंगे तो यहाँ पे हैवी हो जाएगा और आपका ज़्यादा तेल पिएगा। इसलिए घाटी रास्ता में खाली हैवी मोड लगाइए, नहीं तो लाइफ टाइम लाइट में ही चलाइए। अपना जितना भाई लोग है साथी लोग है सब हमेशा खाली लाइट मोड में चलाता है और 4 से 5 किलोमीटर का एवरेज लाता है। तो आप यहां देख रहे हैं मेरा फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी में 3.1 लीटर पर बता रहा है। इस तरीके से आप भी अगर गाड़ी चला रहे हैं तो आपका सबसे बढ़िया माइलेज गाड़ी देगा। तो साथियों फाइनली आप लोग देखें कि आज अपना टाटा का 4825 के BS6 सिग्ना गाड़ी में आप लोग को बताया कि माइलेज आप लोग किस तरीके से निकालेंगे। और ये डैशबोर्ड का जो जितना है बटन और सिग्नल बारे में आप लोग को जानकारी दिए। अगर आप लोग को इस तरीके से हम लोग का वीडियो देखते रहिएगा तो आप लोग को हम बहुत तरह गाड़ी के बारे में जानकारी देंगे, अच्छा चीज़ आप लोग को जानकारी देंगे और अच्छा भी लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग रोज़ाना वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे, तो आप लोग ज़रूर हम लोग का वीडियो को देख के सपोर्ट कीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, हम लोग को अच्छा लगेगा, अपना मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग मेरा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आज ही देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस तरीके से हम आप लोग के पास वीडियो पहुंचाते रहेंगे। और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जैसे अगले चल के जरूर हम वीडियो देंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आप देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स यही है आज का ये वीडियो, आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं और आप सारे साथी लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फ्रेंड्स चलिए आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं।